हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चौबे जी, एक पैकेट सिगरेट दो और 2 रुपए की मीठी सुपारी भी देना। क्या है, कभी लड़की देखी नहीं क्या? अबे मेरे फेफड़े के बारे में नहीं, खुद के फेफड़े के बारे में सोचो, समझा ना। हाथ में अंगार है, दिमाग में भंगार है। आए शाणे लोग, आपने सुना नहीं क्या? सिगरेट का पैकेट मांगा मैंने। देखो, केस हमारे खिलाफ जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 3 साल की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? वो लॉयर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हेलो। हर काम भगवान के भरोसे नहीं होता है। कुछ काम करने के लिए राक्षस को आना पड़ता है। अगर 50,000 दोगी तो तुम्हारे दुश्मन को जान से मार दूंगा। कौन दुश्मन? आप हैं कौन? मैं समझी नहीं। मैं सब जानता हूँ। उसने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है और उसकी सजा एक ही है, मौत। अरे तुम ये क्या कर रही हो? चलो गाड़ी से निकलो। चलो नहीं उतरूंगी। देखो मैं तुमसे डरता नहीं, ठीक है ना? तो डर नहीं तो मैं तेरे पूरे खानदान को रोड पर ले आऊंगी। ये फिल्मी डायलॉग जो है ना, वो तुम मुझे मत मारो, वकील हूँ। क्राइम से बचना भी आता है और बचाना भी। बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर और अपने इस प्रोफेशन पर। तुझे क्या लगता है कि कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? एक बात याद रखना, अगर औरत अपनी हद भूल जाए ना तो तुम जैसों की लंका लगा सकती है। ठीक है ठीक, देख लेंगे। ठीक है अभी गाड़ी से निकलो। चलो मैडम, कभी कभी आपके गुस्से से मुझे भी डर लगता है। लगना भी चाहिए, लेकिन मैडम वो शंभू को इतना नहीं मारना चाहिए था। अब वो ह्यूमन राइट्स वाले सर पे बैठेंगे। बैठने दे रहे, संभाल लेंगे उनको भी। और वैसे भी ये ह्यूमन राइट्स वाले उनका साथ देते जिन्होंने क्राइम किया है। ए रुक रुक रुक, थाम रे। तू थे क्या इसका? ये लड़की कौन थी? अरे आंटी, क्लाइंट थी वो, केस डिस्कस करने आई थी। अच्छा? मुझे लगा केस लड़ने आई है। नहीं नहीं नहीं, बेटा क्या है ना कि पुलिस वालों के साथ झूठ नहीं बोलते। अगर कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम, तो मुझे बोलो ना। अरे नहीं आंटी, आपकी प्रोफेशन मेरी प्रोफेशन एक ही तो है, आपको पता ही है। गर्मा गर्मी हो जाती है, वही है। अरे शो या वो हियरिंग है, कोर्ट में जाना पड़ेगा। तू टेंशन मत ले, आई को मैं संभाल लूंगी। देख, कल को भागने का टाइम आया ना और तूने नाटक दिखाना तो सोच लेना क्या होगा। लगता है आई आ गई। चल मैं फोन रखती हूँ, बाद में करती हूँ। अरे आई, तू इतनी जल्दी आ गई?
नहीं आती तो लेट हो जाता। राजू यहाँ, तेरे और मिलिंद के बीच में सब ठीक है ना? आई, अब टेंशन मत लो, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। बेटा वो तुझसे प्यार तो करता है ना? हाँ करता। एक बात सुन प्राजू, ये शादी होनी चाहिए। अगर ये शादी नहीं हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ मत भूल कि तेरी माँ पुलिस ऑफिसर है। ये सिगरेट पीना बंद कर, लड़कियों को शोभा नहीं देता। अंकुर तुम समझ नहीं रहे हो, अगर आई को पता चला ना मुझे जान से मार डालेगी। देख तू आंटी को सब सच बता दे, नहीं तो बुरा फंसेगी। बताऊंगी मैं यार, मुझे थोड़े दिन का वक्त दे। प्रॉमिस? हाँ कुछ जुगाड़ करती हो। मिलिन यार तेरी फाइल। थैंक यू आई। छान, सुबह हुई नहीं कि खुद की तारीफ पढ़ना शुरू, क्यों? ज्योति रिटायर्ड जज हूं मैं, ये मेरी पुरानी केसेस और जजमेंट, यही तो मेरी एंटरटेनमेंट है अभी, और क्या बचा है। मैं तो कहता हूँ तुम भी पढ़ लो, फुल एंटरटेनमेंट, क्यों मिलिन? करो। क्या बाबा, क्या नौटंकी करते हो आप? बाप बेटे मिलकर मेरी मस्करी किया करो। अरे कभी तो सीरियस हो लिया करो। मैडम जी, वो भारती मैडम और प्राजक्ता दीदी आई है। ओ भाई उन्हें बिठाओ, और हाँ उनके लिए चाय भी बनाओ। हाँ देखिए सर, दोनों के एंगेजमेंट को लगभग एक साल बीत चुका है। मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देके हम इन दोनों की शादी करा देते। आंटी हम ये शादी नहीं कर सकते। क्यों? ये क्या कह रहे है तू? एक मिनट एक मिनट, तू कहीं उसी लड़की की वजह से तो ये शादी करने से मना नहीं कर रहा? कौन सी लड़की, क्या बोल रही है ये? वही लड़की सर, जिसके साथ मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा था, उसी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है ना? आंटी आपको गलत फहमी हो रही है, मेरा उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। तो फिर शादी करने से मना क्यों कर रहा है तू? आंटी ये डिसीजन मैंने और प्राजक्ता ने मिलके लिया है। आंटी देखिए, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा, आप एक बार प्राजक्ता के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, वो आपको सब कुछ सच बता देगी। सच? कैसा सच? छोड़ दीजिए मैडम, क्या कर रही है आप, मर जाएगा ये। मैडम मुझे लगता है आपका गुस्सा शंभू पर नहीं है, कुछ और बात है। मुझे बताइए ना मैडम, हम मिलकर सॉल्व करते हैं। चाय। एरोक, चाय ठंडी है, गरम करके ला। गरम ही तो है। गरम है? अब की बार मुंह खुला ना तो जान से मार दूंगा, समझी? लेके जाओ ये चाय।
मैडम मिलिंद पंचाल नाम है इनका, लॉयर है। इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया है, अभी आते ही होंगे। एनी विटनेस? नहीं मैडम, घर के लिए निकले थे, किसी ने गोली मार दी। मेरा बेटा क्या हो गया? आप संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। हाथ मत लगाओ मुझे, तुमने मारा है मेरे बेटे को और अब ये नाटक कर रही हो। मेरी बात सुनिए, निकल जाओ मेरे नाटक के सामने से, निकल जाओ अभी क्या भी। ज्योति शांत हो जा ज्योति। अरे कैसे शांत हो जाऊं, देख नहीं ले आप? इसने मारा है मेरे बेटे को, इसने और इसकी बेटी ने मिलकर मेरे बेटे की जान ली है और आपके लिए शांत हो जाओ। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर कैमरा। लॉयर मिलिंद पांचाल जी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी, इस केस की जांच लोकल पुलिस कर रही है। दिशा दिशा, ये देख। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, पांचाल फैमिली ने अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार पीआई भारती को बताया है, लेकिन हमारे सूत्रों के माने रत्नाकर पांचाल जी ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है। क्या हुआ? बहुत दुख हुआ, सदमा लगा, बहुत रोना आ रहा है। दिखो दिखो, इतना तो तुम मेरे माथे बिना रो। बहुत गर्मी है ना तुझे, बहुत गर्मी है ना, चल आज तेरी गर्मी मैं, चल चल। सर, ये तो पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम लगा रही है। पीआई भारती और पीएसआई अरविंद, करवे मार्ग पुलिस स्टेशन। हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि जिस लड़के का मर्डर हुआ है वो लड़का रिटायर्ड जज का लड़का है और इसमें सस्पेक्ट है इंस्पेक्टर भारती। मीडिया तो हाथ धो के पीछे पड़ेगी, इसलिए केस जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। सर, मैं कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। हमने सुना था आपके बेटे मिलिंद की शादी पीआई भारती की बेटी प्राजक्ता से होने वाली थी। मिलिंद और प्राजक्ता एक दूसरे को बचपन से जानते थे, मिलिंद के कहने पर ही हम रिश्ता लेके उनके पास गए थे, लेकिन सर मिलिंद ने बाद में शादी से मना कर दिया। मिलिंद ने शादी के लिए अप्रोच किया था, फिर खुद ही रिश्ता तोड़ दिया, क्यों? आंटी देखिए, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा, आप एक बार प्राजक्ता के साथ बैठिए, उससे बात कीजिए, वो आपको सब कुछ सच बता देगी। सच? कैसा सच? प्राजक्ता को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे लड़कियां पसंद है। क्या राजू कहाँ बोलता था? नहीं आई, आई इसका नाम बाहर चक्कर चल रहा है इसलिए तो ये झूठ बोल रहा है। मिलिंद ये तो क्या बोल रहा है? सच बोल रहा भाई, ये देखिए। प्राजू मिलिंद मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तो प्राजू वाले पे आज बात बता रही हूँ। क्यों बता रहे हो? मैं तो जाकर चूल्हे पर पानी में डोप मार गई। मिलिंद मातसाहिक, ये देखिए ये ना बीमार है, मैं इससे बात करती हूँ, इसका इलाज करती हूँ, ये ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। आंटी ये बीमार नहीं है, ये हमसे अलग है, बट इसमें कोई गलत नहीं है, हम सबको ना प्यार करने का हक है। अरे ये कैसा प्यार है जिसमें आदमी और औरत के बीच का फर्क भी समझना है? देखा तो तुम लोग है ना शादी कर लो, एक बार शादी हो जाएगी, ये माँ बन जाएगी, तुम लोग के बच्चे हो जाएंगे ना, तो इसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम दोनों इस शादी से खुश नहीं होंगे आंटी, आप बात को समझ नहीं रही है। आई एम सॉरी आंटी, ये शादी नहीं कर पाऊंगा मैं। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी मिलिंद,
साखरपुड़ाहून एक वर्ष झालंय. अब तू मेरी बेटी के साथ धोखा नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता. ये शादी होकर रहेगी. मिलिंद ने आपको जो फोटो दिखाई थी आपके पास है? एक्चुअली सर वो फोटो तो मिलिंद के मोबाइल में ही थी. क्राइम सीन पे मोबाइल मिला था, लॉक था, साइबर को भेजा. आपका बेटा मिलिंद क्रिमिनल लॉयर था, उसकी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी थी? ऐसे किसी का जिक्र तो उसने नहीं किया. ऐसी कोई बात होती तो अंकुर को जरूर पता होगा. ये अंकुर कौन है? मिलिंद का कलीग. ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से आऊंगा. ध्यान रखिए. हमें शालिनी के बारे में बता देना चाहिए था क्या? क्या बोल रही हो तुम ज्योति? रिटायर्ड जज हूं मैं, कोई रास्ते पे पड़ा हुआ मामूली इंसान नहीं हूं. ज्योति हमारा बेटा तो चला गया है, अब बची कुची जो इज्जत है वो ये सब बता के मैं. लेकिन किसी न किसी दिन उन्हें पता तो चल ही जाएगा ना. चलने दो, उन्हें जो कुछ पता करना है करने दो. ज्योति मैम मुझे जॉब मिल गई है, यही पास में ही ऑफिस है मेरा. अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस मानसी. मैम अगर मुझे मेरा टाइपिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता तो आज ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा. मैं यहाँ कोई दान धर्म करने नहीं बैठी हूँ, पहले फीस भरो और बाद में सर्टिफिकेट लेके जाओ. मैम मैं आपको बहुत प्यार से बोल रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दे दो. अच्छा अब रिक्वेस्ट से सीधा धमकी? प्लीज मैम चलो निकलो यहाँ से. मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, आग लगा दूंगी तुम्हारी ऑफिस को. ये तुम ही हो ना प्राजक्ता, तुमने मिलिंद को धोखा दिया. हाँ मैंने मिलिंद से सच छुपाया, सब मुझे शादी नहीं करनी थी पर आई ने मुझे बहुत फोर्स किया. फिर मैंने सोचा कि बहुत लोग शादी के बाद दोहरी जिंदगी जीते हैं, मैं भी जी लूंगी. पर मिलिंद को मेरा सच पता चल गया. ये कहां से मिले तुम्हें? इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे थे राइट? तुमने मुझसे झूठ कहा है प्राजक्ता. हां तो क्या करूं, अगर मैं तुम्हें सच बता दी क्या तुम मुझसे शादी कर दे? तुम्हें शादी करने की जरूरत ही क्या है, तुम किसी और से प्यार करती हो, तुम उसके साथ रहो ना. अगर आई को मेरे बारे में पता चला ना मुझे जान से मार डालेगी, समझे? आई के साथ बैठो, उनसे बात करो, उनको समझाओ. अगर तुम नहीं बात कर सकती ना आंटी से मुझे बोलो, मैं जाके बात करता हूँ उनसे. नहीं तुम कुछ मत बताना, मैं आई से बात करूंगी पर उसके पहले तुम कुछ मत बोलना. ठीक है? ठीक है. ऐसे हालत में इस तरह रिएक्ट करने वाले लोग बहुत कम होते प्राजक्ता. मिलिंद ने सही किया लेकिन तुमने गलत किया. क्या करती सर मैं, उसने सबके सामने बता दिया. उसी का गुस्सा निकाला ना तुमने, उसे गोली मार दी. नहीं सर मैंने उसे नहीं मारा. देखो प्राजक्ता तुम्हारे पास मोटिव है मर्डर का, जो कुछ भी सच बता दो. अगर तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत आया तो तुम्हारे साथ हमें बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा. सर आप प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने उसे नहीं मारा. लेकिन मैं चाहती थी तो उसे मार सकती थी, एक आदमी तैयार था मेरी मदद करने के लिए. अगर 50,000 दोगी तो तुम्हारे दुश्मन को जान से मार दूंगा. तो तुमने उसे पैसे दिए और उसने मिलिंद को मार दिया? मैंने उसका फोन कट किया और उसके बाद उसका कॉल मुझे आया ही नहीं है. उसकी आवाज सुनी है पहले? नहीं सर. प्राजक्ता एक तो तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम उसे जानती हो क्योंकि वो तुम्हारे सिचुएशन के बारे में जानता है. ए बोलने तो दू के एक कान के नीचे. अरे क्या ये, हम लोग चुपचाप सुन रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्रिमिनल्स है. और सर आप जिसकी इतनी तरफदारी कर रहे हैं ना वो कोई दूध का धुला नहीं है. रंगे हाथ पकड़ा मैंने उसे उस दिन. रंगे हाथ? हाँ लड़की थी उसके साथ, पूछने पर बोल रहा था कि मेरी क्लाइंट है. ये मिलिंद के घर वाले जानते हैं उसके बारे में? अगर पता होगा भी तो बताएंगे थोड़ी ना. आपने कहाँ देखा था उसे? वही उसके ऑफिस के पास वाले रोड पे. गणेश बाबू सर वहाँ सीसीटीवी के देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करो. यस सर. संग्राम इसका सीडीए रिपोर्ट निकालो. राइट सर.
सर, अगर वो मिलिंद की क्लाइंट थी तो अंकुर को उस लड़की के बारे में पता होगा। प्राजक्ता, ये फोटो में जो लड़की है वो कौन है? सर प्लीज उसे कुछ मत कीजिए, सर उसकी शादी हो चुकी है। ओ मैडम, हमें इमोशनल होने की इजाजत नहीं है, हम ड्यूटी कर रहे हैं। नाम क्या था उसका? दिशा मोहिते। ठीक है तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा। खान, ये भारती मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसका रिकॉर्ड चेक करो। अगर ये प्राजक्ता सच बोल रही है तो उस कॉलर ने ही मिलिंद का मर्डर किया है। वैसे उसके एक नहीं बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं, एक ने ना बोला और दूसरे ने हाँ बोला। सही है सर। और रिटायर्ड जज रत्नाकर पांचाल, इसकी भी डिटेल निकाल, हो सकता है इसकी दुश्मनी इसके बेटे से निकाली हो। सर, ये मिलिंद की पीएम रिपोर्ट है। इसके हिसाब से मिलिंद का मर्डर रात 8 से 10 के बीच में हुआ है। टू शॉट सर, सीधा छाती पे, देसी कट्टा है सर। अपने खबरों को अलर्ट कर दो और पता लगाओ पिछले 30 दिनों में किसने देसी कट्टा खरीदा है। ये भारती का रिकॉर्ड बहुत टेढ़ा है, रुथलेस ऑफिसर है। इसके गुस्से से ना पूरा पुलिस स्टेशन हैरान है। तो हो सकता है इसके वजह से मिलिंद की जान गई हो। और ये दिशा के बारे में पता चला, मैंने आर्शा को भेजा है उससे बात करने के लिए। दिशा, तुम ये घूंघट हटाकर भी बात कर सकती हो। एक मिनट, आपको क्या बात करनी है? पहले वो लेडी इंस्पेक्टर ने आके हमारी इज्जत की पूरी मां बहने कर दी। सॉरी, इज्जत की वाट लगाई, अभी आप लोग आ गए हो उस आग पे हाथ सेकने। तो इंस्पेक्टर भारती आई थी? हाँ। उस लड़की मेरी बेटी को अक्कल ठिकाने लाओ तेरे। तू चरिए कैसा मर्द है रे? मर्द होके एक औरत को संभाल नहीं सकता? तेरी चकम मैं होती ना, मार मार के इसकी हड्डी पसली एक करके इसे सीधा करती। रीढ़ की हड्डी है कि नहीं तेरे में? हाँ, तब से कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं कि वो लेडी इंस्पेक्टर क्यों आई थी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम। अभी आज आप लोग आ गए, क्या करें हम? सुसाइड कर लें? वो खामखा ही दिशा पर शक कर रहे हैं, असली सस्पेक्ट तो याद नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? हाँ सच बात कर रहे हैं। अब मिलिंद ने प्राजक्ता को एक्सपोज किया, उसके कारण दिशा एक्सपोज होगी, उसी के कारण भारतीय आई और तुम्हारी मर्दानगी पे शक किया। तुमको गुस्सा आया होगा, तुमने उसको मार दिया। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं किया सर, सच बता रहा हूँ। दिशा डरो मत, घूंघट हटाओ। अच्छा ये बताओ, तुम मिलिंद से मिली थी? नहीं, मैं तो उसे जानती तक नहीं हूं। मैं और प्रजाक्ता एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और तू इधर आ। इसके ऊपर फिर से हाथ उठाया ना तो शक के बेसिस पे तुझे अंदर कर दूंगी। समझा? औरत पे हाथ नहीं उठाने का। समझा? दिशा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ठीक है? नहीं सर, मिलिंद का बिल्कुल चक्कर नहीं था, कोई क्लाइंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसने शादी क्यों तोड़ी? क्या बताओ सर, उसे पता चल गया था प्राजक्ता के बारे में कि उसे लड़कियां पसंद है। एक बात समझ में ना रही खान, उसे कैसे पता चला है सब कुछ? ये फोटोज वगैरह उसको कैसे मिले? पता नहीं सर। अरे वकील महाशय, क्या बात कर रहे हैं आप? मिलिंद का मोबाइल हमें मिल गया, तुमने ही फोटो भेजी थी ना? सच बता, सच बता। बता दो, बता दो। हाँ
मिलिंद और मैं पार्टनर्स थे, इसलिए मैंने उसे वार्न करना चाहा। उसे प्राजक्ता के बारे में सब बता दिया। उसने प्राजक्ता से बात भी की, लेकिन प्राजक्ता अपनी मम्मी से बात करने को बहुत डर रही थी, इसलिए मैं मिला उसे। सुन, जल्दी से आंटी को सब सच बता देना, बाहर से पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या कहा उसने? बात करेगी बोला। उसने फिर भी नहीं बताया, तो मिलिंद ने ही सब बता दिया और फिर पूरा रायता फैल गया सर। ये मिलिंद की किसी क्लाइंट के साथ दुश्मनी, अनबन? अभी तो नहीं सर, लेकिन 3 साल पहले मिलिंद के ऊपर अटैक हुआ था। किसने किया था अटैक? सर, ये पावर डिपार्टमेंट का इंजीनियर सदा चौहान ने किया था सर। क्यों? उसने कुछ 60 करोड़ का फ्रॉड किया था अपने डिपार्टमेंट में सर। उसके अगेंस्ट PIL फाइल की गई थी, केस मिलिंद लड़ रहा था। उसने फोर्स किया मिलिंद को बैकआउट करने के लिए, लेकिन मिलिंद माना नहीं, तो उसने उसके ऊपर सर जानलेवा अटैक किया। सदा चौहान कहाँ है अभी? अरे मानसी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो जॉब मिला था ना? हाँ काका, लेकिन अब नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पैसे नहीं थे सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट नहीं मिला तो जॉब भी नहीं मिला। समय समय की बात है पूरी, ये बंगला कभी तुम्हारा हुआ करता था, लेकिन आज इस बंगले में तुम एक नौकर बनकर काम कर रही हो। सदा चौहान का घर यही है? मुंबई पुलिस SIT। सदा चौहान यही रहता है ना? यहाँ कोई सदा चौहान नहीं रहते। एड्रेस तो यही है। ये घर पहले उन्हीं का था, लेकिन अब बिक गया। आप कौन? सदा चौहान की बेटी मानसी चौहान। मिलिंद पांचाल, आपके पिता ने उनके ऊपर अटैक करवाया था, उनका मर्डर हो गया। सदा चौहान पे शक है हमें। करो शक सर, लेकिन ढूंढोगे कैसे? बाबा को गुजरे हुए तो 1 साल हो गया। कैसे? इसी अटैक के जुमे वो जेल गए थे, वहां बीमार पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई। फिर ये घर, सब कुछ बिक गया और अब यही नौकर हूं। हाथ से सब चला जाने का दुख बावला बना देता है इंसान को। गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें। नहीं, इसी गुस्से में तुमने मिलिंद का मर्डर तो नहीं किया? मिलिंद को तो मैंने 3 साल से नहीं देखा। अगर आपको मुझ पर डाउट है तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। इनका नंबर ले लो सर। सर, ये मिलिंद के ऑफिस के बिल्डिंग का CCTV खराब है। उसके बिल्डिंग के मेंटेनेंस डिस्प्यूट की वजह से स्थिति ये है सर। दूर के दुकान पर एक CCTV है, मगर उसमें सर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब CCTV खराब है, कातिल को पता था। ये प्लान मर्डर। यस सर। मानसी के बारे में पता करो। यस सर। क्या उसको इमोशनल समझ के हम इमोशनल फूल बन जाएंगे? ये बंदा भी डेंजर चीज होती है। सो ये मिलिंद और प्राजक्ता की CDR रिपोर्ट्स। अच्छा, जिस नंबर से उसको सुपारी के कॉल आ रहे थे वो नंबर मिला? हाँ सर, सर्विस प्रोवाइडर से उसका एड्रेस मंगवाया है। लेकिन सर, अजीब बात तो मिलिंद के CDR में है सर। उसको पिछले 2 महीने से धमकी भरे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं। किससे? शालिनी सर। नंबर इसी नाम पर रजिस्टर्ड है और सर सर्विस प्रोवाइडर से हमें उसका ये फोटो मिला है। अब ये कौन है और ये क्यों धमकी दे रही है? सर, ये फोटो हमने भारती को दिखाया था, उसने कंफर्म करा है कि उसने कहा है कि ये वही लड़की है जिसको उसने मिलिंद के साथ देखा था। ये देखिए सर, ये उसके साथ की चैट्स। 10 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे बाप को एक्सपोज कर दूंगी। अरे, ये मिलिंद के केस में रोज नया क्या ट्विस्ट आ रहा है। और ये देखिए सर। सर, ये क्या चल रहा है? ये भारती सही भी थी और गलत भी थी सर। ये शालिनी का चक्कर मिलिंद के साथ नहीं, रत्नाकर के साथ चल रहा है। अरे क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है ये जज साहब ही बता सकेंगे। शालिनी हमारे घर की मेड, मतलब नौकरानी थी, लेकिन 6 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद माला यहाँ काम करने लगी।
लेकिन कुछ दिन पहले शालिनी अचानक घर पे आ गई। सोच समझ के बात करो शालिनी, क्या बकवास कर रही हो? बाबा है ये मेरे। मैं भी इन्हें अपने बाप की तरह ही मानती थी, लेकिन ये जानवर है, मेरी इज्जत पर हाथ डाला इन्होंने। ओहो, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ज्योति, मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। एक औरत इस मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकती। ये आपके पति, ये हैवान है, दरिंदे है, ये 2 महीने से मेरा बलात्कार कर रहा है। नहीं, मुझे लगा इतने बड़े जज है, इनसे मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैं गरीब हूं ना, इसीलिए आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अरे ऑब्वियसली यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, अब मैं तुम सबको कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। अरे तुम क्या कोर्ट में लेके जाओगी? मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा। चलो निकलो यहां से, निकलो। लेकिन उसे पता था वो मिलिंद के सामने जीत नहीं पाएगी, उसका झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा, इसलिए उसने वो फोटो मॉर्फ की और मिलिंद को भेज दी और 10 लाख रुपए मांग के मिलिंद को ब्लैकमेल करने लगी। सर, उसे लगा कि डर के मारे हम उसे वो पैसा दे देंगे। लेकिन मिलिंद ने वो फोटो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेज दी और वो अपने ही जाल में फंस गई, क्योंकि वो फोटो सचमुच मॉर्फ ही की गई थी। लेकिन फिर भी वो चुप नहीं बैठी, हमें धमकाती रही, हमारे खिलाफ कंप्लेंट की, हम पे केस कर दिया। लेकिन जब ये केस कोर्ट में गई ना, तभी उसे उसकी औकात का पता चल गया। उसने माफी मांगी, पैर पकड़े और मिलिंद ने उसे माफ भी कर दिया था। क्या ऐसा तो नहीं कि 10 लाख खो जाने की वजह से शालिनी ने मिलिंद को मार दिया? शायद उसी ने किया ऐसा। सर, लगता है शालिनी भाग गई। सर्कुलर निकालो उसके खिलाफ, भागने नहीं चाहिए। यस सर। चल सर। शालिनी, ए ए रुक, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो भागी क्यों थी? हां बता, चल। सर, वो मिलिंद साहब का मर्डर हुआ तो मुझे लगा कि आप सब लोग मुझ पे शक करेंगे, इसीलिए साहब। तुमने 10 लाख रुपए के लिए मिलिंद का मर्डर किया? मैंने उन्हें बस पैसों के लिए ब्लैकमेल किया था, लेकिन मैंने उनका मर्डर नहीं किया। शालिनी, पैसों की सबको जरूरत होती है। मेरी माँ को कैंसर है साहब, इसीलिए तुमने मारा मिलिंद को? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन उस आदमी ने मारा होगा साहब। किसने? उस दिन जब मुझे फोन आया तो मुझे लगा कोई पागल है। 50,000 और वो खत्म। उस मिलिंद की वजह से तुझे तेरा पैसा नहीं मिला ना, तेरी माँ का इलाज नहीं हो पाया। अगर मेरे पास 50,000 होते ना, तो मैं अपनी माँ का इलाज करवाती, तुझे नहीं देती। लेकिन जब मिलिंद साहब का मर्डर हुआ तो मैं समझ गई, उसी ने उन्हें मारा होगा। चल उठ। सर, प्राजक्ता और शालिनी को एक ही नंबर से कॉल आया था और वो नंबर रजिस्टर्ड है किसी कार्तिक दास के नाम पर, लेकिन सर फेक आईडी प्रूफ, फेक एड्रेस। और सर, उस नंबर से सिर्फ 3 नंबर्स पर कॉल किया गया था, शालिनी, प्राजक्ता और दिशा मोहिते। सर, ये दिशा का हमसे बात छुपाना क्लियर करता है कि ये गिल्टी है। शालिनी और प्राजक्ता को कॉल आया, उन्होंने मना किया, फिर भी मिलिंद का मर्डर हो गया। और ये दिशा को कॉल आया, उसने मना नहीं किया, उसने मिलिंद को मरवाया। ये किलर ने उन 3 लड़कियों को कॉल किया जिनको मिलिंद से प्रॉब्लम थी, लेकिन किलर को कैसे पता चला कि इन 3 लड़कियों को मिलिंद से प्रॉब्लम है? मतलब ये किलर उन 3 लड़कियों को जानता है या मिलिंद को जानता है? एक काम करो सर, दिशा से पूछो खान, उसको किसी अननोन नंबर से फोन आया था क्या? अरे अंकु, इसकी कॉल हिस्ट्री निकालो, क्योंकि मिलिंद के सबसे नजदीक वही था। अंकुर के बारे में सब पता कर लिया मैंने, ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से एक बात पता चली कि जिस दिन मिलिंद का खून हुआ था उस दिन ही अपने घर पे ही था। इसका मतलब मिलिंद के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो कातिल को पता था, और इसी का फायदा उठाकर उस कातिल ने मिलिंद का मर्डर कर दिया। लेकिन सर, घर वालों के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जिसको सब पता हो? घर की बातें और घर की चीजें कहाँ जा रही है
ये सिर्फ मालिक और नौकर को पता होता है। उसके घर में जो लड़की काम करती है उसका नाम क्या? माला, माला नाम है मेरा। तूने घर पे कभी कुछ ऐसा सुना होगा ना, झगड़ा, बातचीत, कुछ बताना चाहोगी? मैं इधर उधर ध्यान नहीं देती, अपने काम से काम और पगार से मतलब रखती है। मेरी मती मारी गई थी जो मैं वहाँ पे काम पे लगी, अच्छी खासी बाजू के सोसाइटी में काम करती थी मैं। तेरी सब हिस्ट्री निकाली है, वो आहूजा के यहाँ से तेरे को चोरी की वजह से निकाला था ना? मैडम मैंने कुछ नहीं किया था, पगार बढ़ाने को बोली तो नाटक करने लगी, मैंने ही छोड़ दिया। फिर हाँ खान सर, मैं दिशा के घर पे हूँ, वो भाग गई। क्या? हाँ सर। सर उनसे कहिए कि सिर्फ वो भागी नहीं है, गहने और पैसे लेकर भागी है। सर वो पैसे और सुना मैंने, एक काम करो प्राजक्ता के घर पे जा, देखो दोनों साथ मिलके भागी है क्या। ओके सर। मैडम ऑफिशियल सोर्सेस यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने स्कूटी का नंबर और मोबाइल नंबर ट्रेस पे डाला है। अगर प्राजक्ता नहीं मिली ना तो मुझे जान देनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ मैडम क्या कर सकता हूँ। यही तो कैसे कर? प्राजक्ता का है। क्यों, क्या हुआ? हम दिशा के घर गए थे, वो गहने और पैसे लेके भाग गई है, और उसके पति का कहना है कि वो प्राजक्ता के साथ भागी है। बेड़ा साला है तो प्राजक्ता घर में है। जरा बाहर बोलवा दिला का शोपीस है, बाहर आनू दाखवाला। प्राजक्ता की तबीयत ठीक नहीं है, वो अंदर आराम करेगी। अगर उसके साथ आपको कोई भी सवाल जवाब करना है तो आप कल आइए, या वारंट लेके आइए। सर ये देखिए, दो घंटे पहले तक प्राजक्ता और दिशा की लोकेशन सेम थी, लेकिन अब अलग अलग आ रही है। लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों घूम रहे? शायद इनके प्लान का हिस्सा हो। तुम दोनों प्राजक्ता के लोकेशन पे जाओ, उसका अरेस्ट करो। Right, sir. हम लोग दिशा के लोकेशन पे जाते हैं। Sir. लोकेशन अपडेट दे दे रहे। Yes, sir. सर आप एकदम सही लोकेशन पर हो, आपको आसपास देखना होगा। सर संग्राम सर प्राजक्ता की लोकेशन वही है, यही कही होगी, आसपास देखो सर। जो आज का रेट है दे दीजिए, मुझे कोई रिसिप्ट नहीं चाहिए, बस जल्दी पैसे दे दीजिए, मुझे कहीं जाना है। कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन, बस, कहाँ? ये रहा मर्डर वेपन, इसके ऊपर तुम्हारे उंगलियों के निशान भी है, ये वही मिला जहाँ प्राजक्ता की बॉडी मिली। मैं नहीं मारा उसे, प्राजक्ता ने मुझे सपने दिखाए, धोखा दिया उसने मुझे। मैं सब लेकर आई हूँ, ज्वेलरी, पैसा, सब एक साथ। अब एक साल तक कोई काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से दूर एक घर लेते हैं और वहीं रहेंगे। आई का फोन है। हेलो, कहाँ है तू? आई, मैं दिशा के साथ हमेशा के लिए भाग रही हूँ। ठीक है राजू, तू जाना चाहती है ना, चली जा। तू राजू एक काम कर, तू घर आ, मुझे मार डालो और फिर चली जा। दिशा, मैं आई को छोड़ के नहीं आ सकती तुम्हारे साथ, I'm sorry। महेश मेरे साथ जबरदस्ती करता था, मैंने सब सहा क्योंकि तू मेरे साथ भागने के लिए रेडी थी, लेकिन तू सिर्फ तेरे बारे में सोच रही है, तो मैं भी सिर्फ मेरे बारे में ही सोचूंगी। दिशा छोड़, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, गुस्सा आया मुझे, मैंने मार दिया।
तो इसी गुस्से में मिलिंद को भी मरवाया होगा। तुम्हें भी कॉल आया होगा ना 50,000 की सुपारी के लिए? आया था ना सर। सर आप ही बताओ मेरा मिलिंद से क्या लेना देना, मैं तो उसे जानती भी नहीं, मैं क्यों मरवाऊंगी उसे? सर हर कोई कह रहा है कि उसने मिलिंद को नहीं मारा, और अब ये अननोन नंबर से फोन आना, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सर मुझे लगता है ये कॉल हमें गुमराह करने के लिए किया होगा, ताकि हम लोग असली खूनी तक ना पहुंच पाए। खान हमारा मेन सस्पेक्ट कौन है? भारती। क्यों? क्योंकि भारती की लड़की प्राजक्ता और दिशा, इनका रिलेशन मिलिंद ने सबके सामने एक्सपोज कर दिया था, और इसी वजह से दिशा के साथ प्राजक्ता ने भागने से इनकार कर दिया। हो सकता है दिशा ने प्राजक्ता का मर्डर कर दिया, हो सकता है प्राजक्ता ने मारा हो, लेकिन प्राजक्ता अभी नहीं रही। सर ये केस सिर्फ फाइल ना बन जाए। नहीं बनेगी, जीरो से शुरू करो। ये मिलिंद का मर्डर वेपन मिलना बहुत जरूरी, अगर वो मिल गया तो कातिल मिल जाएगा। सर ये ऑटोमेटिक की दुनिया में कोई अगर देसी कट्टा खरीदता है याद तो रहेगा ही ना, गुड्डू नाम है उसका। गुड्डू नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना। 6 महीने पहले उसको ड्रग्स के केस में उठाया था पुलिस ने, अभी 2-4 ही दिन हो गए छूट के आए हो। अच्छा देखो माला, ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स है। इस लड़की को तुम कैसे जानती थी? इतने कॉल क्यों किए तुमने उसको? क्या बता रहे? अरे साहब, अरे साहब, मैंने वो ड्रग्स का धंधा छोड़ दिया, अभी सिर्फ ये चिलिम का काम करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता साहब। अच्छा ठीक है फिर इसको मार देते हैं, इसको तो कुछ पता नहीं। सर या नहीं कहीं जंगल में लेके मारते? अरे साहब पीठ पे पॉइंट ब्लैंक मारते, मतलब ह्यूमन राइट्स का बवाल नहीं होगा क्यों? चलो। अरे सर, अरे मैडम क्या बोल रही है सर, मेरे को मारो मत, मैं बता दूं सब आपको। सच सच बोलेगा। हीरा मर्डर वेपन, इसके ऊपर गुड्डू की उंगलियों के निशान है। ये गुड्डू ने तुम्हारे बंगले के पीछे दफनाया था, उसने सब कबूल कर लिया, तुम भी कबूल कर लो। कुछ भी अच्छा नहीं हुआ सर, जब खेलने कूदने की उम्र थी तब बाप जेल चला गया, और माँ बाप के जेल जाने के सदमे में गुजर गई, घर पैसा सब कुछ चला गया, गुस्सा आ रहा था मुझे लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन तभी गुड्डू की जेल से जमानत हो गई और बाहर आ गया। गुड्डू और पापा जेल में साथ में रहते थे, गुड्डू मुझे लाइक करता था और पैसे भी ला के देता था, और तभी मैंने सोचा अगर बदला लेना है तो प्यार करने का नाटक करना पड़ेगा। गुड्डू ने कट्टा खरीदा और मैंने माला को खरीदा। मुझे माला ने मिलिंद के घर की सारी बातें बताई, मुझे प्राजक्ता दिशा और शालिनी के बारे में पता चला। फिर मैंने गुड्डू से एक फर्जी सिम लेके सबको एक एक कॉल करने को कहा ताकि पुलिस भटक जाए। हेलो। हर काम भगवान के भरोसे नहीं होता है, कुछ काम करने के लिए राक्षस को आना पड़ता है। अगर 50,000 दोगी तो तुम्हारे दुश्मन को जान से मार दूंगा। चार्जशीट बना। चले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.